हेलो माय प्रिटी लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल विद इन। सो फ्रेंड्स, जैसे ही समर स्टार्ट हो जाते हैं, सब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा सनस्क्रीन अप्लाई करते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ करंटली। एंड मैंने आपको स्टोरीज में बताया था कि मैंने आरनिया से कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे एंड मैंने उनमें से ट्राई किया था सनस्क्रीन एंड मैंने उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आज आपको पूरा रिव्यू देने वाली हूँ आरनिया स्किन केयर नेचुरली के सन ब्लॉक लोशन के बारे में, जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। तो ये कैसा है, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आपको इस तरह के नॉर्मल ट्यूब में आती है, लेकिन आरनिया की जो पैकेजिंग होती है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग होती है एंड आई जस्ट लव द मैट फिनिश ऑफ दिस ट्यूब, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वेरी सिंपल येट वेरी क्लासिक पैकेजिंग होती है इनकी एंड बहुत ही स्टर्डी है कैप, लाइक ये ओपन नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। सो आई रियली रियली लाइक द पैकेजिंग एंड ऑल्सो मैं कह दूँ कि इसमें है SPF 40, सो आई थिंक इट्स ग्रेट, लाइक ये कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो 40 आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर माई सेल्फ। लेकिन अगर आप पूरा दिन बाहर रहते हो सन में, तो आप देखिए कि आप SPF 50 या SPF 60 की तरफ जाए, बट आई थिंक 40 इज़ इन एवरेज, लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर मी। ऑल्सो कह दूँ कि फ्रेंड्स, इसमें PA की ट्रिपल प्लस साइन है, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये जो दो बात है इस सनस्क्रीन के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही मैं कह दूँ फ्रेंड्स कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको कुछ बताती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इट इज़ विथ सी बकथ्रॉन ऑयल, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अवर स्किन। इसमें ग्लिसरिन है, जो हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है और बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी है। ये मुझे सबसे पहली बात आपको कहनी है कि ग्लिसरिन है तो बहुत ही ज़्यादा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, येट आई वुड से कि ये ऑयली स्किन वाले भी अप्लाई कर सकेंगे बिकॉज ये बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी लोशन है। एंड ऑल्सो इट कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन ई, टोकोफिरल एसिटेट है इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में, दैट इज वेरी वेरी गुड। ऑल्सो इट कंटेन्स व्हीट जर्म ऑयल, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। सो ऑल दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स विच आर देयर आई रियली रियली लाइक, बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है एंड लाइक समर्स में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो जाता है मेरा, लाइक टी जोन बिकम्स ऑयली। सो आई रियली रियली डोंट लाइक दैट प्रोडक्ट्स विच लाइक यू नो मेक माई स्किन सीक्रेट मोर ऑयल, लाइक यू नो चेहरा जब ऑयल की वजह से चमकता है तो डर्ट पुल करता है एंड आई डोंट लाइक दैट। सो आई ऑलवेज ट्राई टू सी दोज प्रोडक्ट्स विच आर लाइक मॉइस्चराइजिंग येट डज नॉट क्रिएट दैट ऑयल ऑन माई स्किन। सो इसके लिए मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है फ्रेंड्स। आई रियली वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच आउट ऑफ इट, बिकॉज जब भी हम सनस्क्रीन लगाते तो हमारे स्किन पे थोड़ा सा ग्रीसी या वाइट कास्ट क्रिएट होता है। मैंने लास्ट ईयर 3 सनस्क्रीन ट्राई किए थे, एक मैंने बायोकेयर का ट्राई किया था, एक मैंने बायोटिक का ट्राई किया था एंड द थर्ड वन आई हैड ट्राइड ऑफ लैक्मे। लैक्मे वाला तो टोटल फेल था, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था बिकॉज उसकी खाली फ्रेग्रेंस अच्छी थी, बट इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेट मी टेल यू, आरनिया की जो प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स, जब से मैंने इसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है, आई एम टोटली लविंग इट, बिकॉज इसकी जो फेयरनेस क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी भी फ्रेग्रेंस मुझे अपनी चाइल्डहुड में लेके जाती है एंड दैट सिमिलर थिंग हैपेंड विद दिस वन ऑल्सो। जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया फॉर द फर्स्ट टाइम, इट टुक मी बैक टू माई चाइल्डहुड डेज, लाइक एक इसकी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो इट जस्ट रिलैक्सेज मी, टेक्स बैक टू माई चाइल्डहुड डेज। तो मुझे आपको बहुत अच्छी लगेगी इसकी फ्रेग्रेंस, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी माइल्ड एंड इट्स वेरी वेरी सूदिंग। साथ ही में जैसे मैंने आपको कहा, विटामिन ई है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है एंड ऑल्सो दैट इट कंटेन्स ग्लिसरिन, विच लाइक यू नो मक्खन की तरह हमारे स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है, दैट्स वॉट आई वुड। सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं कि सनस्क्रीन आपको कब अप्लाई करना चाहिए। अगर समर्स की बात कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कब अप्लाई करना होता है सनस्क्रीन। सो दोस्तों, आपको सनस्क्रीन घर से निकलने से पहले 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करना होता है। यू डज नॉट हैव टू लाइक अप्लाई इट एंड जस्ट लाइक यू कैन स्टेप आउट ऑफ द हाउस, ऐसे नहीं होता है, सनस्क्रीन ऐसे वर्क नहीं करता है। आपको आपकी स्किन को प्रेप करना होता है 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा के। सो आप मॉइस्चराइजर जब लगाते हो तब आप सनस्क्रीन लगा लो एंड देन 15-20 मिनट्स आपको पता है कि आप जाने वाले हो बाहर, तब आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अप्लाई द सनस्क्रीन लोशन ऑन ऑल योर बॉडी पार्ट्स विच आर लाइक एक्सपोज टू द सन, लाइक जो भी पार्ट ओपन है उस पर आपको सनस्क्रीन लगाना है। आपके फुट को प्लीज मत भूल जाना, अगर आप चप्पल या सैंडल्स पहनते हो, जो भी पार्ट ओपन रहने वाला है प्लीज वहां पे लगाएं, अदरवाइज टैनिंग की इश्यूज होगी। सो यस, दिस वाज इट, नाउ क्विकली यू सी द डेमो, आप डेमो देख लीजिए एंड देन आई विल कम एंड गिव यू माय फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, दिस आरनिया स्किन केयर नेचुरली सन ब्लॉक लोशन कम्स इन 100 ml ऑफ अ ट्यूब विच कॉस्ट ₹350। इट कंटेन्स सी बकथ्रॉन ऑयल विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अवर स्किन।
This is non-greasy, water-resistant and nutrient lotion which provides very effective protection against UV rays to kids and adults both. Its vitamin E content reinvigorates and softens the skin. It also helps in removing uneven tone and pigmentation marks on your skin. फ्रेंड्स ये थे सारे गुड पॉइंट्स अबाउट दिस सनस्क्रीन. सबसे पहली बात, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. सेकंड, इसका जो एसपीएफ कंटेंट है काफी अच्छा है. थर्ड है कि ये ऑर्गेनिकली प्योर है, वैदिक थेरेपी से बना हुआ है. सो इतना सेफ है कि हम बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स रियली रियली ग्रेट. एंड ऑल्सो मैं कह दूं कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफी अच्छी है. 3 साल आपको मिलते हैं यूज करने के लिए. सो आई थिंक इट्स रियली रियली ग्रेट. सो यस, लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं फ्रेंड्स कि मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन टाइप पे ये सूट कर रहा है. एंड आई वुड से दैट इट विल सूट ऑलमोस्ट ऑल द स्किन टाइप्स. लेकिन हर एक की स्किन टाइप अलग होती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ग्रीसी लगे या फिर यू नो वट एवर. लाइक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इस सनस्क्रीन से, लाइक थोड़ा सा ग्रीसी या ऑयली वाला स्टफ, तो आप क्या कर सकते हो, एक टिप मैं आपको शेयर करती हूँ कि आप इसको सेट कर सकते हो एक कॉम्पैक्ट पाउडर से जिसमें हो एसपीएफ. सो मैं क्या करती हूँ, जब मैं धूप में जाती हूँ एंड लाइक यू नो स्वेट एंड ऑल दैट स्टार्ट्स, लाइक हमारा सनस्क्रीन निकलना चालू हो जाता है. हमको लगता है कि लाइक अब सनस्क्रीन खत्म हो गया होगा, चेहरे को धूप लग रही है. एंड इट इज वाटर रेजिस्टेंट ऑल्सो, दिस सनस्क्रीन इज वाटर रेजिस्टेंट एज वेल. सो स्वेट प्रूफ भी है, लाइक यू नो पसीने से भी ये उतर नहीं जाने वाला है. लेकिन फिर भी आपको लगे कि आपका चेहरा थोड़ा सा ऑयली हो रहा है, ग्रीसी हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे सेट कर सकते हो. मैं इसे करती हूँ सेट विद एनवाई बे कॉम्पैक्ट पाउडर जिसके अंदर है एसपीएफ 40. ये इतना अच्छा कॉम्पैक्ट तो नहीं है, मैंने इस पे रिव्यू किया हुआ है, लेकिन सेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड ऑल्सो इट कंटेन्स एसपीएफ 40. सो दोनों का मिक्सचर, आई थिंक योर टैनिंग विल बी लाइक यू नो बहुत दूर हो जाएगा, टैनिंग नहीं होगी आपको. सो आप प्रोटेक्टेड रहोगे. एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माय स्किन कि टैनिंग ना हो. सो यस फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आई थिंक अभी तक मुझे तो इसमें कोई भी कॉन नहीं लगा है, नेगेटिव्स कुछ भी नहीं है. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई टू दिस सनस्क्रीन एटलीस्ट वंस. एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन डाउन बिलो. एंड अगर अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहते हो इसके बारे में तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए मेरी फैमिली में. आपको करना होगा एक छोटा सा काम, आपको करना होगा सब्सक्राइब. नीचे है जो एक रेड बटन, उसे क्लिक कर देना, आप मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे. साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना. टिल देन आई सी यू इन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो. बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.